जानिब तर्जुमान इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। अब देखना यह है कि पीटीआई के इन मुतनाज़े इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानिब अगर सियासी जमातों की बात करें तो 18वीं तरमीम के मसले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बहस छिड़ गई है। इन तमाम बहस मुबासे का नतीजा क्या होगा, क्या पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ सकेगी और मुल्क का सियासी मंजरनामा, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस सूरत हाल पर लिए आज हमारे साथ मुअज्जज़ मेहमान मौजूद हैं। राना मुबश्शिर साहब तज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीएनपी के रहनुमा सनाउल्लाह बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज्जज़ शख्सियात का। सबसे पहले राना मुबश्शिर साहब, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। जिस तरह से ये शोर सुनते हैं हम, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का था, अब 18वीं तरमीम का मसला भी निकल आया है। एक जानिब पीपल्स पार्टी कहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मयसर नहीं है, दूसरी जानिब वो ये दावा भी करते हैं कि वज़ीर आज़म इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। तो फिर ये क्या तरीका कार होगा, किस तरीके के तहत, किस फार्मूला के तहत वज़ीर आज़म उनका होगा अगर उन्हें अभी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। देखिए, ये किस्सा बड़ा पुराना है और इस तरह से है कि जब केयरटेकर सेटअप बन रहा था उस वक्त कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया था पीपल्स पार्टी ने, और वो ख्वाहिशात कुछ ये थी कि 16 माह की जो हुकूमत थी उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्रीज थी उन्हीं मिनिस्ट्रीज पे केयरटेकर सेटअप के अंदर वो चाह ये रहे थे कि उनके अपने लोग वहाँ पे लग जाएं, एज अ केयरटेकर मिनिस्टर्स लग जाएं वहाँ पे, जो कि नहीं हुआ। फिर दूसरी ख्वाहिश ये थी कि जनाब वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सिंध के अंदर कुछ लोग ऐसे लग जाएं जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, वो भी नहीं हुआ। किसी हद तक चीफ मिनिस्टर उनकी मर्जी के लग गए, लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो एज सच नहीं हुई। फिर उसके बाद यू नो इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन मोड में जा चुके थे ये लोग, और अगर ये इम्प्रेशन या प्रिसेप्शन बनाते कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इज गोइंग बी लाइक एवरीथिंग इज गोइंग बी हंकी डोरी बिटवीन देम, वो सूट नहीं करता था। और जब भी कॉम्प्रोमाइज किया है पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ तो डैमेज जो है पीपल्स पार्टी हुई है। तो एक हॉस्टाइल, एक एग्रेसिव एटीट्यूड भी रखना था। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मसला था वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद एक और मसला पैदा हो गया, जब आसिफ जरदारी साहब गए और जाके बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ लोगों को इंडक्ट किया या उनके साथ शामिल हुए कुछ लोग पीपल्स पार्टी में, तो कुछ ही रोज के बाद आपने देखा होगा कि उनमें से मेजॉरिटी लोग जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए नून लीग ने और पीपल्स पार्टी छोड़ गए। सो वो उनके लिए एक बड़ी जिटरी सिचुएशन थी। दे थॉट के, आसिफ जरदारी साहब थॉट के जनाब सारी जो प्लान किया था, नो कॉन्फिडेंस मूव थी, उसके बाद जनाब हुकूमत थी और सब चीज़ें जो इन्होंने बिसात बनाई थी वो आसिफ जरदारी साहब ने बनाई थी, और आसिफ जरदारी साहब ने समझा कि ये सारी चीज़ें तो उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं। Which is right कि ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मूव में भी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आसिफ जरदारी साहब ने, और जो अनडू हुई सिचुएशन जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ उसमें आसिफ जरदारी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो जब वो इस किस्म की सिचुएशन सामने आनी शुरू होगी, डेवलप होनी शुरू होगी, तो एक टैग और एक स्टेटमेंट आना शुरू होगी, और वो ये थी कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सो वो एक तो रीज़न ये है। सेकेंडली, जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया वो भी पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, एंड दे थॉट के जिन्हें जो यहाँ पे उन्होंने इंप्रेशन दे दिया है नून लीग वालों ने कि जनाब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो वो उसमें भी थोड़ा सा यू नो दे वर टेकन अबैक कि यार ये क्या हो गया, ये सारी चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं। नाउ द पॉइंट इज कि जो केसेस बने थे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो बनाए गए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनमें से कुछ केसेस ऐसे थे जो कि गलत थे, पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को अगर अनडू किया जा रहा है या उनकी फेवर में जा रहा है तो वो उसमें मेरे ख्याल में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सही केसेस हैं जो उनके लिए जो उनके ऊपर वाकई बनते थे वो अगर नहीं बना, उन पे अगर उनको रिलीफ मिलता तो उस पर जरूर ह्यू एंड क्राई
होना चाहिए, बट देन अगेन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस से अगर वो खत्म हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. सो द पॉइंट इज यू नो अभी ये खत्म होगा, अभी एक नया यहाँ पे जनाब रोला पड़ेगा और रोला ये होगा जनाब के बिल्कुल दे विल गो हेड ऑन. अब हेड ऑन जाएंगे उसके बाद अभी कल के शो में एतजाज अहसन साहब मुझे कह रहे थे कि जनाब जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर पे उन्हें नजर नहीं आता. जिस बात जो इंट्रो आप दे रही थी, जो आप कह रही थी जनाब के यहाँ पे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं और जो लोगों के कंसर्न्स यहाँ पे आप यहाँ पे प्ले कर रही थी, उनके क्लिप्स प्ले कर रही थी आप, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन उस पे अपने कंसर्न्स रेज करेगा. एंड अल्टीमेटली दे विल हैव टू गो टू द हाई कोर्ट. And once they go to the high court, the PTI wallahs, once they go to the high court, वो time consuming हो सकता है. So अगर वो time consuming होगा, तो it's going to be a situation for PTI and और उनके बल्ले का निशान ballot paper पे होगा या नहीं होगा, ये last minute तक एक issue बना रहेगा, जिससे वो affect होंगे PTI वाले और उनकी campaign affect होगी और intra party elections पे observations जो आएंगी वो. अच्छा, भी ये भी बताइए वो बशीर साहब, ये intra party elections किसी भी सियासी जमात में बस एक formality होती है, एक रसम अदा की जाती है. हम सब जानते हैं अगर people's party में intra party होंगे इंतखाबात तो चेयरमैन कौन होगा, या अगर नू लीग में होते हैं तो चेयरमैन शहबाज साहब होंगे. अब अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी को ये लगाम थमा दी है तो ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ. अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये हर पार्टी में होता है एंड देयर इज नथिंग न्यू ऑन इट ओवर हियर, यू नो इन दिस पीटीआई वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई नई चीज नहीं हुई, ये सारी जमातों में हो चुकी है. यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर सो राइट, बट द पॉइंट इज कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर सबसे ज्यादा शोर उस वक्त बचता है जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और जो लोग हार जाते हैं वो शोर बहुत बचाते हैं. ठीक है, कुछ जेन्युइनली जेन्युइन होते हैं, उनके केसेस जेन्युइन होते हैं, कुछ जो है वो अगर हार भी जाते हैं तो वो उन्होंने जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट वो वहाँ पे शोर जरूर मचाएंगे. बट द पॉइंट इज अगर आप डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, इलेक्शन मांग रहे हैं और उसके बाद चाहते ही हैं कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, और फिर आपने जनाब पिन पॉइंट करके रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, इफ दे मूव अ इंच फ्रॉम हियर एंड देयर एंड इफ देर लाइक पिन पॉइंट कर दिया जाए उनको, तो फिर उनकी तो सख्ती आ गई इलेक्शन कमीशन की, तो उनको तो छोड़ेंगे नहीं वो लोग. लेकिन द पॉइंट इज कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, क्या वो जेन्युइन है? नहीं है. बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया आपने, नहीं है. इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी भी पार्टी के जेन्युइन नहीं होते. जो भी कहता है लीडर उसको फॉलो किया जाता है और मनोमन फॉलो किया जाता है, उसमें कोई फिंगर रेज पॉइंट आउट नहीं कर सकता उसमें, और ना जरूरत कर सकता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.